जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। अब लग रहा है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, यही शीर्षक है वीडियो का। कि जीवन में हमें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अब क्या किया जाए। और मैं बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ, अब हार चुका हूँ, अब हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे, किस तरह से जीऊँगा, कई सारे प्रश्न हजारों लाखों की तादाद में एक साथ दिमाग में दौड़ रहे हैं। क्या किया जाए, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं। क्या किया जाए, क्योंकि जीवन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, धीरे धीरे साल भर 2 साल में यहाँ तक पहुँच गया, या जब से पैदा हुआ तब से मैं बस स्ट्रगल ही। सब कुछ सही कब होगा, कैसे होगा, और कई सारी बातें हमारे मन में एक साथ दौड़ती रहती है। जब भी जीवन में ये ख्याल आपके साथ आए, तो मेरी ये 4-5 बातें आप याद रखना। अगर आप इन बातों को याद रखेंगे, आप कभी नर्वस नहीं होंगे। सबसे पहली बात, ज़्यादा ना सोचें। आप जितना कम सोचेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सोचने के बजाय काम पे ध्यान दें। उस सोचने में, उस सोच को यूटिलाइज जो हमें करना है वो काम पे करना है। और जो सोच रहे हैं हम, कम सोचें ज़्यादा काम करें, पहली बात। दूसरी बात है, फ्री रहने से बचें। फ्री, खाली दिमाग शैतान का घर, ये बिल्कुल परफेक्ट और सही बात है। खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ भी काम करे, छोटा मोटा, बड़ा, अच्छा बुरा, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, सब काम बड़ा होता है। तीसरी बात है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो भगवान का स्मरण कंटिन्यू करते रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यू करते रहे। जो भी आपके इष्ट देव, उनका जाप करते रहे। चौथी बात, खुद को कमज़ोर मत समझे, उनकी कमजोरी से सीखिए। कमज़ोर मत समझे कि ऐसा है, ये है, वो है। और पांचवी बात है कि जीवितता जिंदा रखें, चाहे जो हालात हो, चाहे सुख हो दुख हो, जो भी हालात हो, खुद को जीवितता। क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। उस चीज़ को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर, क्या होगा इनका, क्या होगा, जो होगा वो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एकदम खुशी खुशी भी पॉजिटिव उस चीज़ को जिए, क्योंकि जब तक आप उसे जिएंगे नहीं, तब तक सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो आपको सीखना है, जो भी हालात हो, आपको खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना है, सामना करना है। क्योंकि देखिए, आपने तो जीवन को खत्म की ओर अग्रसर कर रहे थे, जो कि एक निर्दयी काम है, जो एक कायरों का काम है। तो ऐसा अगर आपके दोस्त मित्र, उन सभी का, आप आसपास का भी ख्याल रखिए, कोई इतना डिप्रेशन में तो नहीं है, या कोई को किसी रूप से वो तकलीफ में नहीं है, क्योंकि हमें लगता नहीं है, पर हमें आगे रहकर इन चीज़ों को जानना चाहिए। कि आप मित्र से पूछ सकते हैं कि तेरे को ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको तकलीफ तो नहीं। अपने परिवार के जनों से आप उनसे कनेक्टिविटी रहे, और उनसे ये बात, हम क्योंकि कई बार वो बताने में हिचकिचाते हैं। तो आप खुद चीज़ों को जानने की अपनी ओर से कोशिश करें, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और खुद का भी इन चीज़ों को अग्रसर, जो चीज़ें मैंने आपको बताई, खुद पर भी लागू करें, और अपने आसपास मित्र यार, इन पर भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, उन्हें भी इन चीज़ों के लिए मोटिवेट हमेशा करते रहें। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा में जा सकता है, इसलिए निराशा इस जीवन के लिए बहुत घातक है। उसमें सिर्फ एक बात, निराशा में यही बात याद रखना है कि यह सब बीत जाएगा, जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा, एक दिन बहुत अच्छा आएगा। आज चाहे हालात खराब है, लेकिन एक दिन बहुत अच्छा आएगा। मेहनत करते रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, आप पर ईश्वर की कृपा भी है। ऐसा ख्याल मन में कभी आने मत दें खत्म करने का। जिए, खुलकर जिए, चाहे जो हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।